बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुहैब। इस वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि हम अपने कंप्यूटर पे पीसी पे आईएमओ को कैसे इंस्टॉल करके चला सकते हैं या फिर लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करके चला सकते हैं। अक्सर वो तो मोबाइल में चलता है, अगर मोबाइल ना हो तो फिर क्या करें। उसके लिए तो फ़िलहाल फ़र्स्ट टाइम हमें मोबाइल चाहिए, उसके बाद हमें एंड्रॉयड की मोबाइल की ज़रूरत नहीं, हम अपने कंप्यूटर में ही आईएमओ को चला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आईएमओ को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना होगा। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है आईएमओ, आईएमओ टाइप करके इंटर कर दें। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ यूआरएल्स आ जाएंगी। इन दो URLs को छोड़ के यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे URL है imo.im, उसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे है डाउनलोड ऑन द आईफोन, डाउनलोड ऑन द एंड्रॉयड प्ले, डाउनलोड IMO फॉर विंडो डेस्कटॉप। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है क्योंकि आप डेस्कटॉप पे चलाना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो वो जो ऐप है यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। ये 10 MB की है, तमाम छोटी फाइल है। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल हुई पड़ी है। यहाँ पे मैं माय कंप्यूटर पे जाता हूँ। माय कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ। प्रोग्राम में मेरे पास ये देख सकते हैं आप IMO सेटअप, ये पहले से ही इंस्टॉल है। तो अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, ये डाउनलोड हुई पड़ी है, इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपके सामने ये देखिए सेटअप इंस्टॉलर आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल कर देना होगा। तो यहाँ पे ये जो IMO है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा वेट करें। यहाँ पे बस इंस्टॉल होने वाला है। यहाँ पे हो समझो इंस्टॉल हो गया है, ये सिर्फ जो न्यू फाइल्स हैं वो कॉपी कर रहा है विंडो में। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे IMO का जो IMO मैसेंजर है वो शो हो गया है। ये अगर आपके पास आता है तो उनको क्लोज कर दें अगर आपके पास एंटीवायरस। यहाँ पे ये अक्सर बहुत लोगों के पास एरर आता है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको इग्नोर कर देना है। यहाँ पे ये कोई मसला नहीं है इग्नोर कर देने का। यहाँ पे मैं इसको इग्नोर करता हूँ। तो यहाँ पे जो आगे वाला सेटअप है ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे लिखा है फिनिश, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे IMO मैसेंजर आ गया है। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ओपन हो गया है। अब जिस कंट्री से आप हो या जिस कंट्री से आपके मोबाइल में IMO इंस्टॉल है वो आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये रहा पाकिस्तान। ये मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप वो फ़ोन नंबर देंगे जो फ़ोन नंबर आपके एंड्रॉयड मोबाइल में है या जो फ़ोन नंबर आपने IMO पे दिया हुआ है। जिस फ़ोन नंबर पे आपका IMO चल रहा है वो आप यहाँ पे IMO नंबर देंगे। यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना नंबर दे दिया। अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ तो क्या होगा कि IMO पे मैसेज चला जाएगा। जो मैसेज में कोड आएगा वही कोड यहाँ पे लिखना है। तो मैं अपने मोबाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं अपने मोबाइल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक कोड आ गया है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। सॉरी, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ से पहले अपना पासवर्ड जो है वो अनलॉक कर देता हूँ। सॉरी, ये हो गया। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक जो है मेरे पास जो है वो कोड आ गया है। सॉरी, यहाँ पे पीसी पे अभी शो नहीं हो रहा, यहाँ पे थोड़ी देर में शो हो जाएगा पीसी में।
तो ये जो आईमो नंबर है, कोड है, वही सेम कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं वही कोड पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे है मेरे पास, ये मैंने अपना जो कोड था वो लगा लिया। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही मैंने कंटिन्यू को क्लिक किया तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने जो है मेरा आईमो जो है वो पीसी पे स्टार्ट होना शुरू हो गया है, चल रहा है यहाँ पे। थोड़ा वेट करें तो यहाँ पे जो है आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके पास ऐड होंगे, वो आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो आ गए हैं। यहाँ पे मैं चैट में जाऊँगा तो जो मेरे SMS वगैरह हैं वो आ जाएंगे। अब मसलन यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स में मुझे किसी को भी कॉल करनी है तो यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट उसके पास कॉल चली जाएगी। और ये अगर कोई कॉन्टेक्ट वगैरह लगाना है तो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट लगा सकता हूँ या सर्च कर सकता हूँ। तो यही था आज का मेरा ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है तो। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।